हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स देखिए, सुबह के 8 बजे हैं और फ्लैट में बहुत गर्मी लग रही है। आदत नहीं है इतनी गर्मी की, क्योंकि हमारा जो पुराने वाला फ्लैट था उसमें धूप नहीं आती थी। और आज तो सुबह जब उगता सूरज देखा ना, तो बहुत अच्छा लगा। 5.5 साल बाद हमने उगता सूरज देखा है यहाँ पे। ये जो नीचे है ना, ये पार्किंग है हमारी पीछे से, और वो उधर दूसरी कॉलोनी है। और देखिए बैग में सामान ऐसे बंधा हुआ पड़ा है, क्योंकि रात हम लेट हो गए थे, शिफ्ट करने में 11 बज गए थे हमें रात। और अभी तो पूरा सामान ऐसे फैला पड़ा है, तो सोच रहे हैं धीरे धीरे करें शिफ्ट। कौन सा सामान कहाँ रखना है अभी तो ये भी डिसाइड नहीं हुआ है। पैसों से पहले सोचते हैं कि बैग डाल दें, और बैग डालेंगे तो ही पता लगेगा कि क्या सामान कहाँ रखना है। सबसे पहले तो मैं बैग ही डाल दूंगी। और हाँ, अक्षत हमारे लिए चाय बना रहा है, क्योंकि वो बोल रहा था कि मम्मी आप थोड़ा काम कर लो, मैं चाय बना दूंगा। तो वो चाय बना रहा है। वैसे तो किचन सेट नहीं हुआ है अभी तक, किचन क्या अभी तो कुछ भी सेट नहीं हुआ है। और ये देखिए चाय बना रहा है अक्षत हमारे लिए, और बहुत बुरी तरह देखिए फैला हुआ है। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा सामान कहाँ से शुरू करूँ उठाना। यहाँ डालने हमें बेड, तो यही देख रहे हैं कैसे डालनी है। तो चलिए जी, लगते हैं अपने काम पे। देखिए हमारा बैग टूट गया, ये सामान हम रख के लेके आए थे ना कल सुबह। तो ये जब यहाँ फर्स्ट फ्लोर है वहाँ 0 पे रहते थे, और ये कोना तक के बैग टूट गया। पता है ऐसे सिर्फ करते हैं। और ये देखिए जो कलर हुआ था ना, तो ये सारा गंदा हो रहा है कवर। तो अब इनका काम है इसका कलर सारा उतारने का। कैसे उतारोगे? गिल्ला हो गया, गिल्ले पान गिल्ले कपड़े से। ठीक है, उतारो फिर इसे साफ करो। और जी बेड लगा दिया इधर, एक बेड इधर लगा दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बोर्ड की सफाई चल रही है, अच्छे से करना बिल्कुल। घर में कलर हुआ है ना, तो उसकी वजह से उन्होंने बोर्ड पे भी कलर कर रखा है पूरे सब। मतलब घर के ना सारे बोर्ड गंदे हो रहे, और ये हमें साफ करने पड़ेंगे। अच्छा बस आप यही काम कर लो आज, आप बोर्ड ही साफ कर दो सारे, है ना? मेरा यही काम है। आपका यही काम है आज? सही हो गया? हाँ सही हो गया, सुंदर हो गया बिल्कुल। देख घर के 3 सदस्य काम कर रहे हैं, और ये देखिए तुम्हें तो कुछ काम नहीं करना ना, और तुम्हें कोई और जगह खेलने के लिए भी नहीं मिली होगी। तुम्हें तो बढ़िया टेंट हाउस मिल गया। और देखिए सुबह सुबह फोन लेके लेट रहा है ये, और इसने बराबर में टेबल रख रखी है अपनी। वो अपना पूरा सामान लेके घुस गया, मतलब पूरा अपना बास्केट भी रख रखी ना, और टॉय भी लेके गया ये। टॉय की बास्केट कहाँ रख रखी तुमने? अपने पीछे। अपने पीछे देखिए, इसने टॉय की बास्केट, अपनी टेबल, अपनी फाइल, मैट, टॉय सब कुछ लेके अपना लेट रहा है। बेटे कुछ काम भी करा लो। फ्रेंड्स हमारा काम था वो ख़त्म हो गया है, हमने सब सामान सेट कर दिया, बस किचन रह गई है। और किचन इसलिए रह गई है क्योंकि उसमें थोड़ा सा ना अभी
काम रह गया। और किचन हमारी इसलिए रह गई है क्योंकि उसमें जो कबर्ड थे वो थोड़ा सा ख़राब हो रहे हैं उसकी वजह से, और जो मिस्त्री थे वो आए नहीं हैं आज, टूटा हुआ है वो कबर्ड, बाद में सही करेंगे वे, तभी मेरी किचन लगेगी जाके। और हालत बहुत ख़राब हो रही है, सुबह से दो बज गए हैं हमें, सारा हमने काम सेटिंग की इधर उधर की सब की, और पूछे मत, बस पैरों में तो बहुत तेज दर्द हो रहा है। अभी खाना खाया है और खाना खा के अब आराम करेंगे, तो फ्रेंड्स उसके बाद शाम को मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स आज हमारी गैस ख़त्म हो गई थी, नेहा दो तीन दिन से कह रही है कि गैस ले आओ ख़त्म होने वाली है, तो मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था तो इस वजह से मैं गैस ला नहीं पाया, लेकिन आज शाम के टाइम में गैस ख़त्म होगी। तो देखिए फ्रेंड्स आज हमारे साथ क्या हुआ है, एक तो हमने शिफ्ट किया है और खाना बनाने के मैंने मतलब ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं खाना बनाने वाली थी रात का, और मैंने अपना पुलाव की तैयारी कर रखी थी, क्योंकि देखिए पूरा दिन शिफ्ट करने में इधर उधर सामान लगाने में मैं इतना थक गई थी ना, बस पूछिए मत। दोपहर तो खैर जैसे तैसे करके हमने खाना बना लिया था, देखिए दोपहर में भी मैंने पुलाव ही बनाया था क्योंकि रोटी बनाने की मेरी हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए सामान भी लगाने में बहुत टाइम लग जाता है और ऊपर से बहुत गर्मी लग रही थी। और शाम को भी आज मेरा प्लानिंग पुलाव बनाने की थी, मैं सच बताऊँ आपको, मैंने सब सब्जी वब्जी काट के रख दी थी और एट ए टाइम हमारी गैस ख़त्म हो गई है। और बच्चों के तो खैर मज़े आ गए बहुत ज़्यादा, और राघव की हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि राघव ना थक गया था दिन में, आज बच्चे बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाए हैं, आराम तो खैर मैंने भी नहीं किया है, लेकिन हालत तो खैर सभी की डाउन थी हमारी। फिर हमने सोचा चलो छोड़िए खाना आज बाहर ही खा के आते हैं, बच्चे तो बड़ा खुश हो गए कि आज हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं, और खुशी भी थी उन्हें कि नए फ्लैट में आए और आज फर्स्ट डे है हमारा और पहले ही दिन हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं। ये जो रेस्टोरेंट है ये हमारी सोसाइटी से बाहर ही है और यहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है। तो फ्रेंड्स हमने ऑर्डर किया है शाही पनीर, मलाई कोफ्ता और पाइनएप्पल का रायता। पाइनएप्पल का रायता ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं और इसके पापा दोनों को बहुत अच्छा लगता है। बच्चे तो देखिए बिल्कुल दही नहीं खाते हैं मेरे, और रायता भी नहीं खाते ही हैं। बच्चों को तो बस एक ही सब्ज़ी पसंद है कि शाही पनीर, बस उनके लिए कुछ भी ऑर्डर मत करो, बस शाही पनीर दे दो उन्हें खाने के लिए, वही बस उसी में खुश हो जाते हैं वो तो। और यहाँ लगे हुए हैं दोनों के दोनों बच्चे, और ये ना शाही पनीर के साथ नान खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और वही बच्चों के लिए हमने फिर मंगाई भी है। फ्रेंड्स हमने खाना खा लिया है और अभी हम जा रहे हैं घर। खाना बहुत ही अच्छा बन रहा था और हम सब ने बहुत बहुत सारा खाना खाया क्योंकि बहुत टेस्टी बन रहा था खाना, हम सबका तो पेट भर गया।